हुगली के श्रीरामपुर में डेंगू से 5 साल के मासूम सुनिधि शर्मा की मौत हो गई। मामला नगरपालिका के 23 नंबर वार्ड का है। सुनिधि के पिता कन्हैया जूट मिल में काम करते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बेटी को बुखार होने पर सरकारी अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां मासूम को बेड न मिलने पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ देरी के चलते मासूम ने अपना दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि हुगली में पिछले लंबे समय से डेंगू का प्रकोप बना हुआ है। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वो डेंगू टेस्ट लिखे थे, तो हम लोग 13 तारीख सुबह मालूम चला कि डेंगू का है, तो संग से हम लोग 13 तारीख को एडमिट किए, भर्ती किए। उनका ही यूनाइटेड नर्सिंग होम है, हम लोग वार्ड में गए थे लेकिन वहाँ जगह खाली नहीं रहा, तो हम लोग यूनाइटेड नर्सिंग होम भर्ती किया। भर्ती करने के बाद 3 दिन के बाद 4th दिन वहाँ से हम लोग को बोलते हैं डॉक्टर कि ये हम लोग का रेंज से बाहर का है, आप बड़ा हॉस्पिटल में कहीं ले जाइए। तो हम लोग मेडिकल कॉलेज ले गए, मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर 3 दिन बाद मेरी लड़की एडमिट कर गई।